एयरटेल एक्सट्रीम के अंदर एयरटेल के द्वारा काफी बड़ा बदलाव किया गया है, जहां पे डेटा अनलिमिटेड कर दी गई है, कॉलिंग की सुविधा अनलिमिटेड दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको दिया जा रहा है 4K सेट टॉप बॉक्स, जो कि आपको सारे प्लान में अवेलेबल है। और उस सेट टॉप बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं 10,000 से ज्यादा मूवीज, साथ ही साथ 7 OTT प्लेटफॉर्म्स के जो ओरिजिनल सीरीज आते हैं उसको भी देखने का मौका दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि एयरटेल आपसे कोई भी चार्ज नहीं करेगा किसी भी तरीके का इंस्टॉलेशन के रूप में। आपको एयरटेल के द्वारा जो एयरटेल एक्सट्रीम 4K सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है सभी प्लान्स के अंदर, उसके लिए एयरटेल के द्वारा चार्ज किया जा रहा है फुल्ली रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि 1500 रुपए का है। और यहाँ पे कुछ नियम कानून है जिसको आपको समझना जरूरी है। अगर आप 1500 रुपए का रिफंड चाहते हैं तो आपको 12 महीने से ज्यादा एक्टिव यूज करना पड़ेगा अपने सेट टॉप बॉक्स का। मतलब कि एक्सट्रीम बॉक्स का इस्तेमाल अगर 12 महीने से ज्यादा एक्टिव तरीके से करते हैं और रिफंड कराते हैं तो आपको 1500 रुपए आपके पास भेज दिए जाएंगे। लेकिन 12 महीने के अंदर अगर आप रिफंड कराना चाहते हैं तो आपको 1 रुपया भी इसके लिए नहीं दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर नया कनेक्शन लेते हैं तो आपको 1500 रुपए एक बार में पे करना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास पहले से कनेक्शन है और वो अपग्रेड कराना चाहते हैं एक्सट्रीम बॉक्स के साथ, उन्हें भी 1500 रुपए दे के सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में ये बॉक्स लेने की अनुमति दी गई है एयरटेल की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं प्लान्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाने वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक और है कि इस वीडियो के अंदर एक चौंकाने वाला खुलासा भी हो रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कर दिया तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लान्स के बारे में। 499 से प्लान स्टार्ट होता है और 4000 रुपए तक ये प्लान जाता है। जो 499 रुपए का प्लान आपको दिया जा रहा है, जिसके अंदर स्पीड होने वाली है 40 Mbps की, इसके साथ साथ डेटा दिया जा रहा है अनलिमिटेड। यहाँ पे भी एक क्लॉज है कि डेटा अनलिमिटेड होने का मतलब ये नहीं है कि जितना मर्जी उतना इस्तेमाल करें, बल्कि आपको 3300 GB डेटा इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। वहीं पे 3300 के बाद अगर इस्तेमाल कर लेते हैं डेटा तो आपके स्पीड को घटा के 1024 Kbps कर दी जाएगी। मतलब कि उसके बाद भी आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन स्पीड को काफी कम कर दिया जाएगा। इसके अलावा कॉलिंग की सुविधा आपको अनलिमिटेड दी जा रही है। एयरटेल का एक्सट्रीम बॉक्स दिया जा रहा है जिसके अंदर आपको 10,000 से ज्यादा मूवीज देखने को मिलेंगी। OTT प्लेटफॉर्म की सुविधा भी दी जाएंगी। लेकिन अगर आप 799 रुपए खर्च करते हैं तो आपको 100 Mbps की स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और साथ ही साथ एयरटेल का एक्सट्रीम बॉक्स दिया जाएगा, जिसके अंदर सेम सुविधा होने वाली है OTT प्लेटफॉर्म वाली। अगर आप 999 खर्च करना चाहते हैं तो आपको 200 Mbps के प्लान के अंदर सारी चीजें दी जाएंगी। इसके अलावा आपको सुविधा दी जाएगी 3 अलग OTT प्लेटफॉर्म्स की, जिसके नाम है डिज्नी हॉटस्टार, Amazon प्राइम वीडियो और G5। जहां तक मेरा रिसर्च बताता है कि डिज्नी हॉटस्टार का आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं देते हुए जो VIP सब्सक्रिप्शन है वही दिया जाएगा। 1499 में जो आपको प्लान दिया जा रहा है वो सभी कुछ सिमिलर है, सिर्फ आपके स्पीड को 100 Mbps बढ़ा के 300 Mbps कर दिया जा रहा है। वहीं पे अगर आपको सुपर फास्ट स्पीड चाहिए जो कि 1 Gbps का हो सकता है तो 4000 रुपए के आसपास आपको पे करना पड़ेगा और वहां पे आपको सारी सुविधाएं वही मिलेंगी जो कि 999 में मिल रही थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी के ऊपर 18% का GST आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अब इन सब बातों के बारे में जानकारी लेने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो सेटअप बॉक्स आपको दिया जा रहा है उसके अंदर अगर आप लाइव TV देखना चाहते हैं तो 452 रुपए का एक प्लान है, जिसको आपको लेना पड़ेगा अगर सारे चैनल्स को देखना चाहते हैं तो। इसके साथ साथ अगर आपके पास पहले से एयरटेल का कोई कनेक्शन है और इसको सेकेंडरी TV कनेक्शन के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 360 रुपए। चैनल्स आपको सभी देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप ये अमाउंट पे नहीं करते हैं तो OTT की जो सुविधाएं हैं वही आपको दी जाएंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, OTT के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। सबसे पहले बता दें कि एयरटेल एक्सट्रीम जो प्लान्स लेके आया है वो पहले की अपेक्षा बहुत बड़े बदलाव के साथ लेके आया है। जहां पे पहले आपको 799 में 150 GB डेटा दिया जाता था और 999 के अंदर आपको 300 GB डेटा दिया जाता था, वहीं पे आज की डेट में आपको 3300 GB डेटा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ टाइम पहले 299 के ऊपर आपको अनलिमिटेड डेटा देने की बात कही जा रही थी, किसी भी प्लान में आप इतना ऐड करो और आपका डेटा को अनलिमिटेड कर दिया जाएगा। लेकिन आज के डेट में ये अमाउंट आपको नहीं पे करना है और आपको अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। क्या ये जियो फाइबर का इफेक्ट है? आने वाले टाइम के अंदर मैं इसको कंपेयर करूंगा जियो फाइबर से भी और आपको वीडियो देके आऊंगा। अब इन सारे क्वेश्चंस के बारे में जानकारी लेने के बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया किसी के द्वारा कि क्या हम इसको CRT TV के अंदर देख सकते हैं। देखिए, अगर आपके TV के अंदर
HDMI पोर्ट है तो आप इससे अपने टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं और जो एक्सट्रीम की सुविधाएं हैं वो सारी आपकी टीवी में चलने लग जाएंगी। मतलब यह है कि एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स एक तरीके के क्रोमकास्ट का काम करेगा और आपके टीवी को एंड्रॉयड टीवी बना देगा और सारी सुविधाएं लेके आ जाएगा, तो आप सारी सुविधाओं का लुत्फ उठा सकते हैं बिल्कुल आराम से। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यह कि हमारे यहाँ अवेलेबल कब होगा। देखिए, आपको मैं साइट का नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं और वहां पे किसी भी सारे का नाम रखिए, वो आपको शो करेगा। जैसे आप बाराबंकी का नाम यहाँ देख रहे होंगे, वहां पे लिखा हुआ लॉन्चिंग सून, मतलब कि जल्दी लॉन्च होने वाला है। उसी तरीके से बहुत सारे जगहों के आगे आपको लॉन्चिंग सून दिखाता है, जहां पे आपको लॉन्चिंग सून नहीं दिखा रहा है वहां पे आपका ये कनेक्शन है ऑलरेडी, और कुछ जगह पे इनवाइट नाउ का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कहां पे अवेलेबल है, कहां पे आने वाला है और कहां पे आपको बुलाना है। तो इस तरीके से आपको एयरटेल का एक्सट्रीम बॉक्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। प्लान्स की डिटेल्स आपको सारे मिल जाएंगे इस लिंक के अंदर, लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानना चाहिए। अब ये सारी बातें आपने सुन ली, लेकिन एयरटेल के द्वारा एक काफी बड़ा बदलाव किया गया है और NCF के रूप में आपको चार्ज किया जाने वाला है एक्सट्रीम के ऊपर। मतलब ये कि 153 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप OTT कंटेंट को देखना चाहते हैं। तो ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एयरटेल आपको अपना कनेक्शन भी देगा साथ में, और एयरटेल के कनेक्शन के साथ ही आपको OTT प्लेटफॉर्म्स के लाभ उठाने का मौका दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एयरटेल के कनेक्शन के लिए मिनिमम NCF आपको 130 रुपए पे करना पड़ता है, जिसके ऊपर GST लगा के 153 का चार्ज होता है। मतलब ये कि 153 रुपए आपको जो प्लान दिखाया गया था उसके अलग से पे करना पड़ेगा। अब मैं एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं कि अगर आप ये 999 का प्लान लेते हो, जिसके अंदर आपको 18% GST देने के बाद आपको 1179 रुपए पे करना पड़ेगा, 1179 में आपको 153 ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको 1332 रुपए का ये वाला प्लान पड़ेगा। अब एयरटेल के द्वारा जो NCF चार्ज किया जा रहा है वो एक्सट्रीम बॉक्स की पूरी वैल्यू को खत्म कर देता है मेरे हिसाब से। मुझे ये रिव्यू नहीं देना था, लेकिन जैसे ही मैंने ये न्यूज़ पढ़ा मुझे लगा कि NCF चार्ज को नहीं लगाना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि क्या ये NCF लेना चाहिए अगर OTT प्लेटफॉर्म्स की चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। TechnikiSar7 हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ से भी मैंने क्वेश्चन को कुछ उठाया था। आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वहाँ भी पूछ सकते हैं, ट्विटर के ऊपर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल जो लोगों के थे उनका आंसर मैंने इस वीडियो में करने की कोशिश करी है। कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिएगा। लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।